मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी इकोनॉमिक्स लेसन वन डेवलपमेंट ऑफ क्लास टेंथ। आज हम लोग क्लास टेंथ का फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स में सब्जेक्ट में डेवलपमेंट पढ़ेंगे। ओके, बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी आर गोइंग टू रिवाइज सम ऑफ द बेसिक इकोनॉमिकल टर्म्स। चैप्टर के शुरू करने से पहले हम कुछ इकोनॉमिकल टर्म्स के बारे में जानना चाहेंगे जो कि आपको इस चैप्टर्स के बाद हर चैप्टर्स में कहीं ना कहीं मिलेगा, जो आप पहले पढ़ भी चुके हैं, लेकिन इसको थोड़ा रिव्यू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इकोनॉमिक्स? द स्टडी ऑफ इकोनॉमी दैट इज इट्स स्ट्रक्चर, कंडीशंस, वर्किंग परफॉर्मेंस, रेमेडीज एक्सेट्रा। इकोनॉमिक्स मीन्स स्टडी ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी की स्टडी करना, अर्थव्यवस्था की, दैट इज इट्स स्ट्रक्चर, कि वो अर्थव्यवस्था किस चीज पे निर्भर करती है, कंडीशन, उसकी स्थिति, वर्किंग कैसे काम करती है, उसका परफॉर्मेंस एंड रेमेडीज, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम्स आती है तो उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ओके, इट इंक्लूड्स एनालिसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम। इसमें कई तरह के एनालिसिस स्टडीज भी आती हैं, मतलब कि डिफरेंट टाइप ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम, हमारे अर्थव्यवस्था में जितने भी चीजें इंक्लूड की गई हैं उन सबको एनालाइज करना। डिसीजंस एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन, जो भी डिसीजंस वेरियस अथॉरिटीज, इकोनॉमिक अथॉरिटीज के थ्रू लिए जाते हैं, जो हमारा इम्प्लीमेंट्स होते हैं, जो लेटर ऑन कभी कभी चेंजेस होते हैं, वो सारे इसी के अंदर इंक्लूड होते हैं स्टडीज करने के बाय वेरियस इकोनॉमिक यूनिट्स, और किसके द्वारा, अलग अलग इकोनॉमिक यूनिट्स, दैट इज इंडिविजुअल्स, कभी कभी इंडिविजुअल्स होते हैं, किसी कुछ लोगों को लेकर के उस पर इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ती है इकोनॉमिक सिस्टम्स को, या इंस्टीट्यूशंस, जो संस्थान होती हैं, या गवर्नमेंट एक्सेट्रा। इट इज अ थ्योरी एंड प्रिंसिपल, इट इज अ स्टडी ऑफ थ्योरी एंड प्रिंसिपल, मतलब कि जो थ्योरीज, जो प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं उसकी स्टडी होती है। नेक्स्ट, इकोनॉमी इंडिकेट्स रीजन, एरिया और कंट्री कंसर्निंग प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विसेज, सप्लाई ऑफ मनी। ये क्या इंडिकेट्स करता है? कोई एक क्षेत्र, एक रीजन, एक देश, एक राष्ट्र को, एक एरिया को, कंसर्निंग किससे रिलेटेड, प्रोडक्शन उत्पाद का, डिस्ट्रीब्यूशन वितरण का, कंजम्पशन उपभोग का, एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि उत्पाद और सेवा का आदान प्रदान करना, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सप्लाई ऑफ मनी और पैसे का सप्लाई होना, ये इकोनॉमी कहलाती है। इट इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, जिस इकोनॉमिक्स की हम स्टडी करते हैं उसका ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, मतलब कि हम उसको कैसे लागू करते हैं, उसे कहते हैं हम लोग अपनी अर्थव्यवस्था में कैसे लागू करते हैं, इसलिए इकोनॉमी हमारी अर्थव्यवस्था कहलाती है और इकोनॉमिक्स हमारा अर्थशास्त्र। क्लियर? थर्ड पॉइंट, थर्ड इकोनॉमिकल टर्म आता है जैसा कि डेवलपमेंट यानी विकास। तो डेवलपमेंट में कई तरह की इकोनॉमीज जोड़ी जाती हैं, डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी मैक्सिमम पुअर कंट्रीज होती हैं, जो बाकी देशों पे, राष्ट्रों पे पूरी तरह से निर्भर करती है, जिसकी जीडीपी वगैरह सबसे लो होती है। मींस यू कैन से दैट उनकी खुद की नेचुरल रिसोर्सेज बहुत कम होती है, वो अपने लोगों को कंजम्पशन नहीं करा पाती है ठीक से। डेवलप्ड इकोनॉमी क्या होती है? कंट्री हैविंग अ हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, वो राष्ट्र जिसकी आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ सबसे हाई लेवल का होता है, एंड सिक्योरिटी, और वो सुरक्षित रहता है,
एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया, अगर हम ऑस्ट्रेलिया का लेके चलते हैं तो उसकी जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी टर्म, जीएनआई टर्म यानी ग्रॉस नेशनल इनकम, ये सब टर्म हम आपको भी बाद में भी नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। अभी एग्जाम्पल के तौर पे हमने ऑस्ट्रेलिया की जीडीपी ली है जो कि एक डेवलप्ड इकोनॉमी की कहलाती है, दैट इज 49,144 डॉलर पर कैपिटा इनकम। डेवलपिंग इकोनॉमी यानी कि विकासशील अर्थव्यवस्था, विकासशील यानी कि ये विकसित नहीं है, डेवलप इकोनॉमी हमारा विकसित होता है पर डेवलपिंग इकोनॉमी हमारा विकासशील यानी कि विकसित नहीं है पर विकसित होने की दिशा में जा रहा है, जैसे कि हमारा इंडिया, इट्स द काइंड ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी, एक तरह से बहुत तेजी से ग्रोथ करने वाला डेवलपिंग इकोनॉमी है हमारा इंडिया, लेकिन पूरी तरह से विकसित होने में ये कुछ कदम दूर है। कंट्री डिपेंड्स मोस्टली ऑन नेचुरल सोर्सेस, डेवलपिंग इकोनॉमी जो थी पूरी तरह से अपने प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर करती है, दैट इज अफगानिस्तान, इंडिया एक्सेट्रा। नेक्स्ट टर्म वी हैव एचडीआई, यस, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ये एचडीआई इस टर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिफर करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की जो ऑफिशियल रिपोर्ट आती है वो अक्सर एचडीआई बेस पर ही होता है। एचडीआई क्या है? एचडीआई को खोजा था अमर्त्य सेन, एक इकोनॉमिस्ट जो अर्थशास्त्री थे भारत के, एंड महबूबुल हक जो कि पाकिस्तान के एक इकोनॉमिस्ट थे, इन दोनों ने इसको डेवलप किया था, इसको खोजा था। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है एक ऐसा इंडेक्स है जो जिसके अंदर चार चीजें इंक्लूड होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, लाइफ स्पैन। हायर एजुकेशन यानी कि आपके देश की लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है, किस रैंकिंग पर आती है। लाइफ स्पैन, आप या लोग कितने ज़्यादा जीते हैं। ग्रॉस नेशनल इनकम, आपके यहाँ क्या जीएनआई, ग्रॉस नेशनल इनकम क्या है। एंड पीपीपी, यस, परचेज पावर पैरिटी, मींस आपकी परचेजिंग पावर कितनी है किसी चीज को खरीदने के लिए, ठीक है। ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है। इंडिया की पोजीशन अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अनुसार लेटेस्ट है 129 पोजीशन, दैट इज आउट ऑफ 189 कंट्री, मतलब कि 129वीं पोजीशन पे हमारा इंडिया एचडीआई के रैंक के अनुसार है, जो कि 189 कंट्रीज का सर्वे किया गया था टोटल जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आते हैं। हर कंट्री ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नहीं आ पाती है क्योंकि उसके लिए 4 टायर्स यानी कि 4 रैंक के टायर्स होने जरूरी हैं, जिसमें एजुकेशन, अगर किसी देश में एजुकेशन सिस्टम या एजुकेशन बहुत लो है तो वो इस टायर में आने में मुश्किल होता है, या लाइफ स्पैन वहाँ पे कम है जीएनआई है, लेकिन जिसका एजुकेशन, लाइफ स्पैन, जीएनआई, पीपीपी यानी परचेस पावर पैरिटी रहती है, ये चारों टायर बेस्ट वो आउट ऑफ 189 कंट्रीज का निकाला गया था, तो इंडिया का 129 पोजीशंस था। ओके, कुछ ही देर में हम आपको नेक्स्ट पार्ट में ले चलते हैं। ओके।